भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 635 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,67,311 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7,561 से घटकर 7,175 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 11 और मरीजों की जान गंवाने से मृतक संख्या बढ़कर 5,30,546 हो गई है। इन 11 मामलों में वो 9 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 7,175 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.02% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 386 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79% है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 4,41,29,590 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 219.83 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर 2020 को 90 लाख के पार चली गई थी। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जिन 2 मरीजों की मौत हुई है उनमें से एक दिल्ली और एक महाराष्ट्र का था। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।